एक दिन की बात है, महाराजा अकबर बीरबल और अपने कुछ मंत्रियों के साथ अपने बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे की खूबसूरती में उन्हें बड़ा ही आनंद मिल रहा था। बगीचे की खूबसूरती को देख देख कर वो बहुत आनंदित हो रहे थे। तभी राजा अकबर क्या देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। कौवों को देखकर महाराज कुछ सोचने लगते हैं। वो अपने मंत्रियों से पूछते हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? मंत्री इधर उधर देखने लगते हैं। अरे महाराज, कोई कैसे बता सकता है कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तभी दूसरा मंत्री भी बोला, महाराज आसमान में रहने वाले कौवों को कैसे गिना जा सकता है? सारे मंत्री बीरबल से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजा अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी एक मंत्री बोला, महाराज इस सवाल का जवाब तो सिर्फ बीरबल ही दे सकते हैं। बीरबल सब समझ रहे थे। तभी राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल मुस्कुराने लगे और थोड़ा सोच कर बोले कि महाराज हमारे राज्य में 21,523 कौवे हैं। महाराज ने पूछा, अरे बीरबल तुमने इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया? क्या तुमने कौवे गिन रखे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कौवे गिने और हमें गिनती में जितने तुमने बताए उससे ज्यादा कौवे मिले, तब तुम क्या कहोगे? महाराज अगर अधिक कौवे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि कौवों के कुछ रिश्तेदार उनके पास रहने आए हुए हैं, और अगर कौवे कम मिले तब तुम क्या कहोगे? अकबर ने पूछा, महाराज तो हमारे शहर के कुछ कौवे शहर के बाहर अपने रिश्तेदारों के पास जरूर गए होंगे। बीरबल का आंसर सुनकर अकबर हंसने लगते हैं। बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान, वाकई तुमसे ज्यादा समझदार और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हमारी सभा में कोई नहीं है। सारे मंत्री इधर उधर देखने लगते हैं। महाराज अपने गले से एक हार उतारते हैं और बीरबल को दे देते हैं और उनकी बुद्धि की बहुत तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब आप किसी बात का उत्तर दे रहे होते हैं तो उसके स्पष्टीकरण के लिए भी तैयार रहना चाहिए।